तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं मैजिक, जो कि फोटोशॉप में ही मैं मैजिक करके दिखाऊंगा। तो फोटोशॉप ने बीटा वर्जन में जो AI इंक्लूड किया है वो काफी अमेजिंग है, तो जिसकी वजह से ये और भी इंटेलिजेंट बन चुका है, जो कि यार काफी अमेजिंग फीचर है। जनरेटिव AI की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो जनरेटिव AI इतना मस्त फीचर है, आप जब ट्राई करोगे तो यार आप जो भी सोच सकते हो वो इसमें कर सकते हो फोटोशॉप में। तो यहाँ पर देर नहीं करते और चलते फोटोशॉप में और ये मैजिक करते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पर ये इमेज है। अब देखना, मैं यहाँ से एक मैजिक सबसे पहले करता हूँ। यहाँ से ये सारा जो बिल्डिंग्स हैं ये इस तरह की, ये सब मैं यहाँ से गायब कर दूँगा। तो यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ सारे जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर जनरेट फिल पे क्लिक करना और जनरेट पे। अब देखना भाई मैजिक क्या होता है। ये देखो बिल्डिंग गायब हो गई यार, बिल्डिंग ही एकदम इसने गायब कर दी, पता भी नहीं चला कि पहले भी कुछ था यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा मैजिक देखो, रेक्टेंगल सेलेक्ट किया यहाँ से और ये यहाँ तक इतना मैं सिलेक्शन बना ले रहा हूँ जनरेटिव फिल, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ताजमहल, ठीक है। अब देखना वो ताजमहल यहाँ पर लेकर आ जाएगा इन क्लाउड के बीच में, ठीक है। अब देखना ये देखो कितना मतलब सही इमेज इसने, लाइटिंग भी सब मैच कर ली है, कलर्स भी सब कुछ मैच करके कितना बढ़िया तरीके से यहाँ इसको एडिट कर दिया है, जो कि मस्त अमेजिंग लग रहा है एकदम। तो इसके और भी वर्जन जनरेट करके आप बना सकते हो। तो इसमें इसने 2-3 वर्जन मुझे और दे दिए हैं, एक बार में 3 वर्जन देता है, ठीक है, दूसरी बार में भी इसने 3 दे दिए हैं, जो कि सारे ही अमेजिंग लग रहे हैं यार यहाँ पर। तो अब चलते हैं दूसरी इमेज पर। तो यहाँ पर ये इमेज है सेम, वही मैं सेम रेक्टेंगल यहाँ पर बनाऊँगा, और यहाँ पर मैं अभी जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर मैं पियानो टाइप कर रहा हूँ। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि इस रूम के सेंटर में वो पियानो की इमेज हमारी आ जाए, अपेयर हो जाए, जो कि देखने में अच्छा लगेगा एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये देखो इसने यहाँ मुझे 3 वर्जन दे दिए, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है और ये भी मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। ये भी ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा डार्क हो गया बट ये वाला वर्जन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि इसने काफ़ी ब्यूटीफुली प्लेस कर दिया है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर कुछ नेट से नाम उठा लेते हैं, तो हमें नाम ज़्यादा पता नहीं है इंस्ट्रूमेंट के, तो इसलिए मैंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एक यहाँ पर नाम सर्च कर लिया है, और इसको देखते हैं अब ये क्या रिज़ल्ट यहाँ पर देता है, कि कैसे रिज़ल्ट यहाँ पर आते हैं। तो ये देख रहे हैं कि गिटार टाइप इसने बना दिया है, जो कि लग रहा है बढ़िया, ये वाला वर्जन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये थोड़ा सा ब्लैक है, और ये दोनों वर्जन मुझे काफ़ी यहाँ पर सही लगे हैं, जो कि देखने में अमेजिंग लग रहे हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट इमेज में। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रीट की इमेज है, जो कि डार्क हमारे पास इमेज है, और यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि एक लाइट बोर्ड हमारा यहाँ पर आ जाए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लाइट और बोर्ड, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो जो स्ट्रीट लाइट बोर्ड जो होता है उस तरह के बोर्ड मैं यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। तो ये येलो बोर्ड तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है, बट आगे ऑप्शन देखते हैं, ये भी वाइट वाला मुझे अच्छा लग रहा है और ये ग्रीन वाला भी मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। तो इन सब में मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मेरे ख्याल में वाइट ज़्यादा इसने अच्छे से बनाया है, जो कि बढ़िया लग रहा है एकदम रियल, और मतलब बढ़िया बना दिया इसने। ये येलो भी अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर अगर हम कुछ टेक्स्ट लिख दें तो ये भी बढ़िया बन जाएगा। तो ये भी काफ़ी अमेजिंग यहाँ से रिज़ल्ट उसने दे दिए, ठीक है। तो अब मैं स्ट्रीट पर क्या चाह रहा हूँ कि एक बाइक यहाँ पर और ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक सुपर बाइक लिखने जा रहा हूँ, सुपर बाइक में चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक सुपर बाइक आ जाए, देखते हैं क्या कौन सी बाइक लेकर आता है यहाँ पर। तो ये काफ़ी स्लो चल रहा है अभी, मुझे लग रहा है ये सर्च कर रहा है इस चीज़ को कि क्या कौन सी बाइक इसको रखनी है। अच्छा ये तो बेकार रिजल्ट दिए इसने, ये मुझे सही नहीं लग रही है। सेकंड देखते हैं तो ये भी अच्छी नहीं लग रही है, और थर्ड भी, ये भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मतलब ठीक है काम चला हुआ है बट ज़्यादा रियल नहीं लग रही है। तो नेक्स्ट इमेज में चलते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रोड है, स्ट्रीट रोड है, तो एक पर्सपेक्टिव व्यू हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके सेंटर, रोड के सेंटर में कुछ मैं यहाँ पर ऐड करूँ। तो मैं यहाँ इतना सिलेक्शन कर लेता हूँ ये, तो अब यहाँ पर मैं ट्रेन लाइन यहाँ पर लिखूँगा। एक मैं चाह रहा हूँ कि ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं वो यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ से हमने जनरेट पे क्लिक कर दिया है। अब देख रहे हैं कि क्या इसने सही रेल की पटरियाँ जो हैं वो बना दी हैं, मतलब कलर एकदम मैच कर रहा है, सब कुछ बढ़िया से मैच कर रहा है। तो इसने यहाँ पर काफ़ी अमेजिंग रिज़ल्ट हमें यहाँ दे दिया है, और ये तीनों इमेज जो हैं वो मुझे यहाँ पर तीनों ही जो है वो काफ़ी बढ़िया लग रही हैं, एक भी ख़राब नहीं लग रही है, तीनों की तीनों बढ़िया बनाई है इसने यहाँ पर। तो नेक्स्ट इमेज हमारे पास ये है।
और यहाँ देख रहे हैं कि एक डार्क ब्लैक रूम है, गंदा सा रूम है, और यहाँ पर एक चेयर रखी हुई है बीच में जिस पर लाइट है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्शन बना रहा हूँ इस तरह से, जैसे कि दो लेग्स हैं किसी आदमी के और ऊपर की तरफ वो सर्कल मैंने इस तरह से बनाया है। तो यहाँ मैं ओल्ड मैन एक यहाँ सिटिंग लिख रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बुढ़ा सा आदमी यहाँ पर बैठा हुआ हो, है ना, और ऊपर से लाइट उसके पड़ रही है। देखो ये इसने रिज़ल्ट यहाँ पर दे दिए हैं, और ये देखिए ये सही है, और ये तो देखो अमेजिंग इसने बनाया है, एकदम बढ़िया यहाँ पर लग रहा है, ये पूरे सीन के साथ यहाँ पर मैच हो रहा है, ये वाला ये पूरे सीन के साथ में मैच हो रहा है। तो यहाँ फाइनल इमेज पर चलते हैं, ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये शर्ट की जगह यहाँ पर सूट कोट पैंट जो होते हैं उस तरह की इमेज मतलब नीचे लग जाए। तो मैं यहाँ सिंपल जनरेट पर क्लिक करके लिख रहा हूँ सूट, ठीक है, और जनरेट कर दिया। ये देखिए अब इसने वो कपड़े ही चेंज कर दिए उसके पूरे ना, अब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पे वो टेंशन ही ख़त्म हो गई आपकी कि कुछ भी पहन लो, लेकिन आप AI की मदद से यहाँ चेंज कर सकते हो सब कुछ। अब एक और लास्ट अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो फेस का एक्सप्रेशन है, मैं चाह रहा हूँ ये फेस चेंज कर दूँ, है ना, यहाँ पर स्माइली फेस कुछ लगा दूँ। तो मैं यहाँ से ये सेलेक्ट करता हूँ इतना पार्ट, ठीक है, अब यहाँ लिख देता हूँ मैं स्माइल फेस। अब देखना जनरेट पे क्लिक कर दिया, अब देखना ये क्या रिजल्ट दिखाता है। ये देखो यार इसने तो बंदा ही चेंज कर दिया, आदमी की इमेज चेंज कर दी, है ना, तीन वर्जन दे दिए इसके जो कि स्माइल करता हुआ फेस है। यार कुछ भी कर सकता है यार AI, कुछ भी कर सकता है अब तो। दोस्तों जो फोटोशॉप के अंदर ये जो वर्जन आया ना AI का, वो बहुत अमेजिंग है, आप उसको ट्राई करके देखो, आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब जो आपने नहीं सोचा हुआ वो कर सकते हैं यार इसमें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।